हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुदीप्तास ब्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है संडे, तो हैप्पी संडे आप सब लोगों को। और आप सब कैसे हो? तो अभी हम थोड़ा जा रहे हैं बाहर, बाहर इन द सेंस हम लोग जा रहे हैं कोरम मॉल, तो क्योंकि बहुत दिन विवियाना ओके, तो आज हम लोग जा रहे हैं विवियाना मॉल जो थाने वाला है, तो क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से बाहर नहीं गए थे, तो सोचा आज संडे है तो थोड़ा घूम के आते हैं। और मेरे साथ घर के सभी लोग जा रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स। सो अभी हम लोगों का ओला बुक हो गया है, 20 मिनट में आ जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ, तो जाते हैं अभी। और ये पीछे स्वरूप है, तो पता नहीं अभी मॉल में कैमरा अलाउड है कि नहीं, मुझे नहीं पता, उधर जाके मुझे देखना पड़ेगा। अगर अलाउ करते हैं शूट करने के लिए तो मैं कर पाऊँगी, नहीं तो देखूँगी, मोबाइल से भी ले सकती हूँ, पर वो अलाउड होना चाहिए उधर। मोस्ट प्रोबेबली तो अलाउड होगा आई थिंक, बट कुछ कह नहीं सकते। लेट्स सी कि क्या होता है और उधर का सिचुएशन कंडीशन कैसा होता है आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड बोल सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है वहाँ जाके, इंटरेस्टिंग चीज़ें रिकॉर्ड करने को मिलेगा। होप कि सब कुछ अच्छा हो वहाँ पे। हम लोग मूवी अवॉइड कर रहे हैं ऑब्वियसली इस टाइम पे। और ये वाला टॉप्स पहन लो, क्रॉप टॉप, और इसके साथ ये जींस। तो कैसे लग रही हो मैं? सो चलो फिर जाके मिलते हैं उधर। अगर पॉसिबल हो तो मैं शूट करूँगी, अगर नहीं हो तो घर पे आके ही बात करूँगी। और देखते अभी क्या खरीदते हैं, कुछ तो खरीदने का प्लान है, पर वो मिलना चाहिए अभी। अगर मिल जाए तो खरीद लूँगी। और हम लोग कुछ ड्रेस नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी ट्रायल का कुछ ऑप्शन नहीं है कोविड की वजह से, तो वो हम ड्रेस अभी थोड़ा मेरे ख्याल से नहीं लेंगे। सो देखते अभी, सो लेट्स गो, बाय बाय, मिलते हैं बाद में। Back.
मैं आ गई हूँ घर पे. जैसे कि मैंने बताया था कि मैं वहाँ जाके शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अलाउड है क्या वो मुझे नहीं पता है. तो एग्जैक्टली वही हुआ है, उधर कैमरा अलाउड नहीं था तो इसलिए मैं कोई शूट नहीं कर पाई थी. और पूरे दिन हम लोग उधर ही थे तो मतलब अभी बहुत टायर्ड लग रहा है. और शॉपिंग की अगर बात करूँ तो थोड़ा बहुत शॉपिंग किया है. एक्चुअली कोई ड्रेस मैं नहीं ले पाई क्योंकि उधर अभी क्या है ना, जो शॉप्स जो ओपन था उधर तो कोई नया एक्सक्लूसिव होते ना जो नया डिज़ाइन वाला जो कपड़ा है वो कुछ भी नहीं था. मेरे ख्याल से लगता है वो सब बहुत पहले का ही है जो अभी ये लोग क्लियर कर रहे हैं. तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा कि डिज़ाइन कोई इतना खास नहीं है, कुछ नया कुछ नहीं लग रहा है. सब कुछ ओल्ड फैशन जो भी था वो पुराना ही था. कुछ मतलब लेने का ऐसा होता है ना कि कपड़े एक बार देख के ही मतलब फटाक से एकदम वो पसंद आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था. और ऊपर से बहुत खाली खाली सा था. और एक प्रॉब्लम ये भी था कि अभी करंट जो सिचुएशन है उस पर हम लोग ट्रायल नहीं कर सकते. तो अगर साइज का कुछ छोटा बड़ा कुछ अगर हुआ तो वो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो रिटर्नेबल नहीं रहता है. तो इसलिए कुछ नहीं ले पाई ड्रेस के मामले में. तो मुझे कुछ डेकोर का आइटम्स भी चाहिए था पर उधर जाके मुझे पता लगा कि कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली खाली सा था. कुछ आया ही नहीं, कुछ नहीं था. तो मतलब वो पहले जैसा नहीं है. मतलब पहले जैसे मॉल में जाते सब कुछ पसंद आ जाता था, अभी वैसा नहीं है. फिर भी मैं थोड़ा बहुत शॉपिंग किया है वो मैं दिखाती हूँ. तो पहला जो ये है ये मेरा कोई काम का चीज़ नहीं है. क्या है ये? हाँ जो भी है वो सुनाई दिया आप लोगों को, मुझे नहीं पता इसका क्या काम है. कुछ तो ओके, ये कंप्यूटर के मॉनिटर के लिए कुछ तो है, मुझे नहीं पता जो भी है. और ये एक क्या है, पेन ड्राइव कुछ तो है, पेन ड्राइव जैसा मुझे नहीं पता जो भी है. देखो जिसको जिन लोगों को पता है वो लोग बताना क्या है ये, मुझे नहीं पता. और मैं एक कप लिया है, ये कैसा लगा बताओ, फिर कमेंट करके बताना. और इसका प्राइस जो है 2-5 है. और ये मैं वन स्टॉप से परचेस किया है. अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा है, हार्डी है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है. और मैं एक्चुअली होम सेंटर में गई. होम सेंटर क्या है वो तो आप लोगों को मालूम है. तो उधर बहुत ही अच्छे अच्छे डेकोर का सामान मिलता है. तो मैं गई थी इसलिए कि कुछ अच्छा मुझे मिल जाए. हैंगिंग मुझे एक्चुअली हैंगिंग डेकोर का कुछ चाहिए था पर इतना कुछ खास नहीं था. तो मुझे ये दो बहुत दिन से लेने का मन था. ये कैंडल होल्डर बोलते हैं, ये दो मैं लेके आई. कैसा लगा? एक्चुअली ये ना मैं फ्लिपकार्ट में ऑर्डर की थी पहले पर वो दिवाली के बाद देने वाला था तो इसीलिए मैं वो कैंसिल कर दिया था. तो अभी आज मैं जाके ये बाय किया है और मुझे कुछ डिस्काउंट में मिला है, 200-300 में मिला है. तो ये काफ़ी अच्छा था. और बस हाँ, और एक चीज़ ये DIY करके एक शॉप है उधर, तो उधर से मैं ये परचेस की है. एक्चुअली ये जो बेड है ना, बेड का जो ये कॉर्नर रहता है वो बहुत पॉइंटेड रहता है, कभी क्या होता है खरोच आ जाता है चलने फिरते टाइम. तो उधर ये देखो आप लोग को ये एक ये देखो दिया हुआ है, ऐसा ये लगाने का होता है. तो इसलिए ये लेके आई, ये 99 में परचेस किया मैंने. तो यही था, हम लोग सब बहुत थक गए हैं, अभी थोड़ा आराम करना है और अभी खाना बनाने का मन भी नहीं है.
अभी हम लोग ऑनलाइन से ऑर्डर करेंगे कुछ खाना रात के लिए. तो आज का ब्लॉग मैं यही पेंट करूँगी और फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट हफ्ते और कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. और आज का ये जो वीडियो है आप लोगों का अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना. एक्चुअली मेरा मन बहुत ख़राब हो गया क्योंकि मुझे बहुत मन था कि मैं उधर जाके अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगी, पर उसके अंदर वो कैमरा अलाउड ही नहीं था तो फ़ोन से भी लेने को नहीं दे रहा था. बस बोला कि फ़ोटो ले सकते हो. तो फ़ोटो लेके क्या करना, मुझे तो वीडियो बनाना था, ब्लॉग बनाना था आप लोगों के लिए, पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया. वही था आज का हम लोग का संडे. अच्छा गया, अच्छा था. तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यही पेंट करूँगी क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ. अभी जाके थोड़ा रेस्ट करना है, कल से फिर मेरा काम चालू हो जाएगा. तो आज के लिए यही पेंट करती हूँ. और ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना. और आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना. तो आज के लिए मैं bye bye. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.